आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ हमारे घर बैठे ही देखने वाली एक मूवी का रिव्यू। मैं बात कर रही हूँ चमकीला फिल्म, जो कि नेटफ्लिक्स पर 12 अप्रैल को रिलीज हुई है। और उसको देखना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिल्म ही इतनी स्पेशल है। आखिर ये चमकीला थे कौन जिनके ऊपर ये फिल्म आई है, क्योंकि ये है एक रियल स्टोरी। और रियल स्टोरी हमेशा ही हमारे ऐसी नब्ज दबाती है जिसमें हमारी कमजोरी छिपी होती है, चाहे वो हमारे अंदर की हो या हमारे समाज की तरफ उंगली उठाने वाली कोई कहानी हो। और उसी को दिखाया गया है चमकीला फिल्म में। तो इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं चमकीला किसकी कहानी है, इसमें कौन कौन एक्टर एक्ट्रेस है, इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आपको थिएटर भी नहीं जाना है, घर बैठे ही आप देख सकते हैं। लेकिन हर एक का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी और हमें उस सच्चाई से रूबरू कराएगी जिसका सामना करने से हम सभी बचते हैं, या कहें कि जिसका सामना करने से हम सब डरते हैं। क्योंकि सच का सामना हर कोई नहीं कर सकता, और इस फिल्म में यही सच दिखाया गया है। इस फिल्म में चमकीला यानी अमर सिंह का किरदार निभाया है दिलजीत दोसांझ ने, और परिणीति चोपड़ा ने उनकी पत्नी का, जो उनके साथ सिंगर थी रियल में, अमर सिंह की जो सिंगर थी, उनका किरदार निभाया है। दोनों की जोड़ी परफेक्ट रही है। लेकिन अगर एक्टिंग की बात करें तो भाई दिलजीत दोसांझ ने तो दिल जीत लिया। इतनी सुपर्ब एक्टिंग करी है कि अच्छे अच्छे एक्टर को पीछे छोड़ दिया, और इतनी रियल लगी से हमें नहीं लगा कि हम अमर सिंह को नहीं देख रहे हैं, हम किसी की एक्टिंग देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। इतने नेचुरल, इतने यूनिक और इतने अपने से लगे हैं इसमें कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप अगर दिलजीत दोसांझ के फ़ैन हैं तो और भी ज़्यादा फ़ैन हो जाएंगे, और अगर आप उनको अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते आए तो इस फिल्म को देखने के बाद आप उनके फैन न बन जाएं तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। हाँ, परिणीति चोपड़ा की बात करें तो कहीं कहीं वो कमज़ोर पड़ गई हैं, या यूं कहें अगर मेरी पर्सनल राय जानना चाहें तो इसकी जगह कोई भी एक्ट्रेस होती तो चलती, लेकिन परिणीति चोपड़ा ने भी ठीक काम किया है। जितना उन्हें दिया गया है उतना उन्होंने रोल बखूबी निभाया है, लेकिन दिलजीत दोसांझ के सामने वो फीकी पड़ गई हैं। तो बात करते हैं आखिर चमकीला यानी हमारे लिए जो चमकीला बने हैं दिलजीत दोसांझ, उन्होंने किनका कैरेक्टर प्ले किया है, अमर सिंह कौन थे और उनकी हत्या क्यों हुई है। क्योंकि इस फिल्म को जब आप देखने बैठेंगे तो पहला ही सीन आपको पता लग जाएगा कि उनकी हत्या हुई थी, उनको गोली मारी गई थी, उनको और उनकी पत्नी को। तो शुरुआत इसी से होती है और फ्लैशबैक में ही स्टोरी चलती है, बीच बीच में रियल भी आती रहती है, और फ्लैशबैक में ही पूरा अमर सिंह का जीवन हमें दिखाया गया है कि कैसे वो एक छोटे निचले तबके से उठकर खड़े हुए और कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज़ सुनी और सिंगिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया। लेकिन सिंगिंग वो जो हर किसी के गले के नीचे नहीं उतरती, क्योंकि हमारा समाज है ना, दोगला समाज है हम कह सकते हैं, ये कहता कुछ और है करता कुछ और है। इसे अश्लील गाने, डबल मीनिंग वाले गाने बहुत पसंद है, लेकिन वो छुप के कमरे में सुनना चाहता है, और सामने अगर कोई उनके इन गानों को सुनता है या गाता है तो उसकी वो जमकर आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं और उसको नीचे गिराना चाहते हैं। बस यही सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं अमर सिंह की कहानी, के साथ क्या हुआ था, इनजस्टिस क्यों हुआ था, क्यों उनकी हत्या की गई थी, किस कारण से उन्हें इतनी कम उम्र में मार दिया गया। चमकीला फिल्म को इम्तियाज अली लेकर आ रहे हैं और नेटफ्लिक्स पर हमारे लिए अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एआर रहमान का म्यूज़िक है और दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने इसमें एक्ट किया है। अब दिलजीत दोसांझ की एक दो खासियत आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गॉड बोलते हैं, और इतना शरीफ, इतना हम्बल इंसान म्यूज़िक इंडस्ट्री में शायद ये अकेले हैं। और इसके अलावा
एक खूबी इनमें ये भी है कि ये जिस भी फिल्म में एक्ट करते हैं उनमें जितने भी सॉन्ग ये गाते हैं उनके पैसे नहीं लेते, यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से गिफ्ट होता है उस फिल्म के लिए। पर नीति चोपड़ा शुरू से ही बहुत चंचल टाइप की एक्ट्रेस रही है, इन्होंने मूवीज़ भी ऐसी करी, लेकिन इस फिल्म में एक सीरियस टाइप का एक्ट किया है और साथ साथ एक उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है कि इस फिल्म को शूट करने के लिए, क्योंकि उन्हें प्रेग्नेंट दिखना था, वाइफ दिखना था, तो उन्होंने 15 kg वेट गेन किया है। तो एक्टिंग फील्ड ही ऐसी है, कभी वेट बढ़ाना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है, और एक्टर एक्ट्रेस को ये सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। चमकीला एक बायोपिक है जिसमें पंजाबी सिंगर अमर सिंह की कहानी दिखाई गई है कि किस तरह 28 साल की छोटी सी उम्र में मार दिए गए थे, क्योंकि वो जिस तरह के गाने गाते थे, यानी कि थोड़े से अश्लील डबल मीनिंग वाले सॉन्ग्स गाते थे, उनकी वजह से उन्हें बहुत सारी धमकियां मिलती थी आतंकवादी संगठनों की तरफ से, खालिस्तान समर्थकों की तरफ से, और इसके अलावा बहुत सारे उनके कंपटीटर थे उनकी तरफ से भी उनको खतरा रहता था, और आखिरकार उन्हें मार दिया गया। कुछ खबरें ऐसी भी थी कि वो निचले तबके से आए थे और उन्होंने एक अपर क्लास लड़की से शादी कर ली थी, वो भी दूसरी शादी, तो इस वजह से भी लोग नाराज थे उनसे। अब बात करते हैं अमर सिंह की सिंगिंग की, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वो अश्लील डबल मीनिंग गाने गाते हैं। तो हमारे समाज में क्या डबल मीनिंग या अश्लील टाइप के सॉन्ग महफिलों में नहीं गाए जाते? आप याद करिए, इंडियन शादियाँ जो होती हैं उनमें जगराता या जो बारात जाने के बाद की नाइट होती है उनमें क्या अश्लील गाने नहीं होते? और आजकल जो संगीत जिसे कहा जाता है, क्या उनमें इस तरह के गाने नहीं होते? बैचलर पार्टी जो आजकल का न्यू जनरेशन बड़ा जिसको मनाता है, क्या उनमें इस तरह के सॉन्ग्स नहीं होते, इस तरह के डांस नहीं होते? लेकिन क्यों, वो 80 का दशक था और उस समय ये चीज़ें थोड़ी ढकी छुपी रहती थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अमर सिंह एक पंजाबी सिंगर थे और वो अखाड़े में, जिसे आजकल लाइव सिंगिंग, लाइव स्टेज सिंगिंग कहा जाता है, लाइव शोज कहा जाता है, वहाँ पर गाने गाते थे, और इस तरह उन्होंने प्रसिद्धि बटोरनी शुरू करी और धीरे धीरे वो इस मुकाम तक पहुँच गए कि उनके सॉन्ग्स रिकॉर्ड होने लगे और घर घर तक रिकॉर्ड्स के कैसेट्स के जरिए उनके गाने पहुँचने लगे। तो उनके साथ के जो सिंगर्स थे कहीं पीछे छूटने लगे, क्योंकि हर जगह उनकी ही पूछ होने लगी थी। इस फिल्म की खासियत एक्टिंग, रियल स्टोरी के अलावा एक और है कि A.R. रहमान ने इसमें म्यूज़िक दिया है जो बहुत ही शानदार है, दिल को छूने वाला है, और मोहित चौहान ने बहुत समय बाद इश्क मचाए हाय हाय सॉन्ग गाया है जो दिल को छूता है, और उनकी सिंगिंग के तो हम सब फैन रहे। इसके अलावा ऋचा शर्मा और अलका याग्निक ने भी काफ़ी समय बाद एक सॉन्ग इस फिल्म में गाया है, नरम कालजा गरम कालजा, जो बहुत फेमस हुआ है। और इस फिल्म का एंड का सॉन्ग तो आपकी आंखों में आंसू ला देगा, इतना इमोशनल कर देता है, एक तकलीफ बयां करता है अमर सिंह की। लोगों के दिलों पर राज करने वाला क्यों इतनी बेरहमी से मारा गया? वैसे देखा जाए तो चमकीला की कहानी जरूर 80 के दशक की है, लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसा कुछ बदलाव हुआ नहीं है। हम सिद्धू मूसेवाला की हत्या को तो भूल नहीं सकते, कुछ कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो सलमान भाई के घर के बाहर भी फायरिंग हुई है। तो ये हमारे सिंगर्स एक्टर्स, इनके ऊपर खतरा हमेशा ही मंडराता रहता है, चाहे खतरा अंडरवर्ल्ड का हो, चाहे खतरा आतंकवादियों की तरफ से हो, या चाहे खतरा उनके जो कंपटीटर होते हैं, जो उनके प्रसिद्धि से जलने वाले लोग होते हैं। यानी कुल मिलाकर हमारे जो ये पसंदीदा कलाकार हैं वो खतरों से घिरे रहते हैं, तो समाज ही इन खतरों को पैदा करने वाला बनता है। तो बदलाव तो समाज के अंदर आना चाहिए, और उससे भी पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि समाज में हम ही तो रहते हैं। हम अपनी सोच को बदलेंगे तभी समाज को बदल सकते हैं। तो चमकीला हमें सच का आईना दिखाता है, यानी जैसे हम खुद हैं वैसा ही हमें दिखाता है। तो अच्छे बनिए तो आप अच्छे दिखेंगे, हमेशा से मेरा यही मानना है। तो चमकीला ने तो वाकई में सिद्ध कर दिया कि एक अच्छी एक्टिंग के बल पे आप रियल स्टोरी को भी लोगों के जहन तक इतनी बुरी तरह पहुंचा सकते हैं कि हर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो मेरी तरफ से चमकीला हर किसी को देखनी चाहिए, चाहे वो घर का बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स नहीं है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, अश्लील गानों की जरूर बात की गई है, लेकिन अश्लीलता कहाँ नहीं है, छुपकर भी लोग देखते हैं और खुले आम भी देखते हैं। तो चमकीला देखिए और फिर अपनी राय मुझे बताइए। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय बता सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया है तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच पूरा
पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।